नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गार्डनिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम गर्मियों के बहुत ही सुंदर और हार्डी प्लांट बोगनविलिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को लगाने के लिए और इसकी केयर के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों में सबसे पहले इसे हमें एक बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी में हमें इस प्लांट को लगाना चाहिए, जिसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत हो। खाद आप दोस्तों इसमें 50% तक रखिए, क्योंकि बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है और इसे ज़्यादा खाद इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ये भर भर के गुच्छों में जो है, आप ये देख रहे हैं वीडियो में, भर भर के गुच्छों में जो है ये फूल देता है। रेशो में दोस्तों इसमें आप 50% खाद, 30% मिट्टी और 20% के करीब रेत रख के एक मिक्सचर बनाइए। उसमें दोस्तों आप इस प्लांट को लगाइए और ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। दूसरा दोस्तों, इस प्लांट को सारे दिन की धूप बहुत पसंद है। आप इस प्लांट को ऐसी जगह लगाइए जहां पर सारे दिन की धूप आती हो, और सारे दिन की अगर धूप नहीं मिल सके तो इसे ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहां पर कम से कम इसे 5 या 6 घंटे की धूप मिले, क्योंकि इसके फूलों को खिलने के लिए धूप की बहुत आवश्यकता होती है। तीसरा दोस्तों, जो फूल खिल जाते हैं उनकी आप ब्रांच को कट कर दीजिए। इससे प्लांट दोस्तों आपका बहुत ही घना और बहुत ही सुंदर होगा। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये प्लांट बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है, इसे आप 15 से 20 दिन में एक बार खाद जरूर दें। दोस्तों, खाद में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों बारी आती है पानी की। दोस्तों, इस प्लांट को पानी आप तब दीजिए जब मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो। ज़्यादा पानी देने से इस प्लांट पर फूल कम आएंगे और पत्ते ज़्यादा होंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, मेरे इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है। ऐसे दोस्तों इसकी मिट्टी ड्राई साइड में रखनी है, जिस वजह से ये प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और दोस्तों उससे बाद ये प्लांट को रूट बाउंडिंग की कंडीशन बहुत पसंद है। इसे आप छोटे गमले में लगाइए। जैसे दोस्तों देख रहे हैं आप, मैंने इसे 8 इंची पॉट में लगाया हुआ है। इसे जितने आप छोटे पॉट में लगाओगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। ये जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, ये प्लांट मेरा पूरा छोटा सा प्लांट है और ये मेरा फूलों से भरा हुआ है। इस प्लांट को दोस्तों रूट बाउंडिंग की कंडीशन बहुत पसंद है। जितने छोटे पॉट में लगेगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। जैसे दोस्तों हम नर्सरी में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने छोटे पॉट में जो है बोगनविलिया के प्लांट ग्रो किए होते हैं। उसका रीज़न यही होता है दोस्तों, इस प्लांट को रूट बाउंडिंग की कंडीशन बहुत पसंद है। जितना इसकी जड़ें रूट बाउंड रहेंगी, जितनी इसकी रूट बाउंडिंग रहेगी उतना ही ज़्यादा ये प्लांट ग्रो करेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों यही सब है इस प्लांट की केयर। और यदि आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इस प्लांट को लाइए, लगाइए और अपने घर को 4 चांद लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। तो दोस्तों यही सब इसकी इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।